हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ललित फिराजुल एक वीडियो के साथ। आज ही हमारे पास ICNG टाटा के टियागो 1200 cc के अंदर जो इंजन आता है, आज इसकी सबसे बड़ी कमी के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा एक जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात ही है इसकी कि इसके अंदर है ना, अभी गाड़ी देखो क्या कहते हैं, स्टार्ट है CNG के ऊपर है और वाइब्रेशन देख लो कितना हिल रहा है। ये वाइब्रेशन देख लो, इसके अंदर वाइब्रेशन कितनी आ रही है। और ये है CNG की टाटा, और अभी ये CNG के ऊपर है, अगर हम पेट्रोल के ऊपर भी स्विच करते हैं तो कोई अंतर नहीं है, वही वाइब्रेशन है। अगर हम इसकी AC भी बंद कर देते हैं, AC बंद कर दिया है। इसकी वाइब्रेशन देख लो, वाइब्रेशन कितनी सारी है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर 1200 cc का इंजन आता है और CNG के अंदर, और जैसा कहते हैं ना कि अंडर पावर इंजन है, तो उस तरीके से वाइब्रेशन बहुत है इस गाड़ी के अंदर। अब ये CNG के ऊपर है, अब पेट्रोल पे कर दिया हमने, पेट्रोल के बाद भी वही है। अगर बोले तो AC भी बंद कर देते हैं, AC के बाद भी वाइब्रेशन देख लो इसकी, फिर भी वाइब्रेशन इस गाड़ी के अंदर है। टाटा से ये है कि भाई साहब थोड़ी गाड़ी के अंदर पावर बढ़ा दो, साइलेंट कर दो। और गाड़ी के कंपेयरिंग के अंदर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा है, जिस तरीके से हमने पहले ही बताया था, और लोगों के, यूजर्स के जो फीडबैक आ रहे थे वो इसी तरीके से फीडबैक आ रहे थे कि इसके अंदर गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन कहीं ना कहीं तक, मतलब कि थोड़ी हद तक इम्प्रूव करिए, मगर इतनी भी इम्प्रूव नहीं करी कि जो इस गाड़ी को कर सकें। ये गाड़ी आपके हिसाब से देखो कहते हैं, आपके किन किन भाई की गाड़ियों के अंदर ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ शेयर करें कमेंट के अंदर लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।